कचरा गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको सीडलेस सॉयलेस एग्रीकल्चर में फिर स्वागत करता हूं एक नए आइटम के साथ। आज हम जिस आइटम का प्रयोग करने आ रहे हैं उसको आपको दिखाएंगे कि आप उसको बर्बाद मत कीजिए। और क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और कैसे उसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे के इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। तो हम वो चीज़ देखें, वो चीज़ देखिए, आपके पास ये है, ये दाल है, दाल के आइटम है जो ख़राब हो गया है, कढ़ी है, बड़ी है, जो ख़राब हो गया है, खट्टा हो गया है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने टेरिस गार्डन में, इसको बाहर नहीं फेंकेंगे, बदबू नहीं फैलाएंगे, इसका हम अपने टेरिस गार्डन में उपयोग करेंगे। और इस उपयोग को करने के लिए हमने जो तैयारियाँ की है वो देखिए इसमें है क्या। इसमें हम लोग ये उपला डाले हुए हैं, ये उपले हो गए, जिसको गोइठा भी हम लोग बिहार में कहते हैं। ये पानी से इसमें डाल दिए हैं, 15 लीटर वाली डब्बे में पानी है, पानी में ये उपला डाला हुआ है। और इस उपले में हम लोग इस खट्टा दाल को, जो ख़राब हो गया है, दाल वाला आइटम को डाल देते हैं। जो भी बचेगा उसको इसमें दाल वाले आइटम को हम लोग डालते चलेंगे। और थोड़ा सा इसमें हमने खट्टा दही को ये करके रखा है, इस दही के को भी इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें किस तरह से फंगस डेवलप किए हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो जो डेवलप है इसको हम लोग इसमें डाल देंगे, ताकि इसमें मल्टी मिनरल्स जो हैं वो इसको और आगे बनाने में डेवलप करेंगे। और अलग अलग किस्म के एसिड, इसमें 3-4 जो एसिड होते हैं जो पौधों के लिए ज़रूरी चीज़ है, इसमें तैयार होंगे। और इस एसिड को तैयार करने के लिए 8 से 10 दिन का हम प्रोसेस करेंगे। इसमें डाल करके हम इसको ढक देंगे और यहीं छोड़ देंगे। इस तरह से मेरा 10 दिन तक इसमें रहेगा और मिनरल्स, वो जो एसिड्स हैं वो सारे एसिड तैयार हो जाएंगे। और पौधों में हम इसको छिड़काव करेंगे ताकि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फल दे सकें। और कैसे हम कचरा से उत्पादन ले सकें अपने टेरिस पे, इसकी स्थिति है। और आप जानते जानते ये भी जान लीजिए कि इस पूरे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वो, इसको भी देख लीजिए। और ये मशरूम से संबंधित आज के प्रायोजक, इस कार्यक्रम के प्रायोजक देखिए। आइए सीखे हम मशरूम की वैज्ञानिक खेती। राज एग्रो फार्म ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज पटना के साथ ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन तो आपके लिए एक बेहतर करियर लेकर आता है। राज एग्रो फार्मिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज पटना, आप अपने बेहतरीन रोजगार के लिए इस इंस्टीट्यूट में पधार सकते हैं, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और भारत सरकार के उद्यान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एक विश्वसनीय इंस्टीट्यूट है पटना का। तो आप राज एग्रो फार्मिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में आइए और रोजगार का भरपूर अवसर प्राप्त कीजिए मशरूम के माध्यम से। तो आप यहां सीख सकते हैं मशरूम उत्पादन के साथ साथ बीज कैसे बनाएं, मशरूम का स्टोन कैसे बनाएं, इसकी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या गुणवत्ता बनाए रखना है, कैसे प्रोसेस करेंगे, ये तमाम जानकारी आपको अनुभवी प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दिया जाएगा जो लगातार अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। और एक तेज तरार डायरेक्टर भी इस इंस्टीट्यूट को है, जिनका नाम डॉक्टर
राजकुमार जी है तो आपके बीच देखिए डॉक्टर राजकुमार जी उपस्थित हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजकुमार मशरूम टेक, ये यूनिट ऑफ राज एग्रो फार्मिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज पटना में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ, तो देखिए इनका कमाल, मशरूम बना है बेमिसाल, मिल्की के साथ आयस्टर मशरूम भी अपना लाजवाब